मॉर्निंग गाइस, सुबह के 7 बज गए हैं और अपना मैच है अभी फेज 3 दिल्ली में, तो हम लोग वहीं के लिए निकल रहे हैं। वहां से मैं लाइव क्रिकेट जैसे रेगुलर करता हूं वहां से शेयर करूंगा, तो वो आप लोग देख सकते हो। बाकी फटाफट निकलना है बिकॉज लड़कों के कॉल आ गए हैं कि मैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग पहुँचो। तो मैं बस वहाँ के लिए निकल रहा हूँ और मैं वहाँ से फिर आपको ज्वाइन करता हूँ। वहाँ से जितने भी चीज़ें हैं क्रिकेट की वो मैं शेयर करूँगा। एंड वंस अगेन लाइव में जरूर जाऊंगा, तो जो लोग देखना चाहते हैं मॉर्निंग क्रिकेट वो लाइव पर आओ और देखो डायरेक्टली क्रिकेट। ओके, तो गाइस हम निकल पड़े हैं अपने मैच के लिए। भाई हवा ऐसी लग रही है ना भैंस की, यहाँ किसमें गजब वाली हवा लग रही है। तो हम हो गए आगे यार अपने पार्क में जहाँ पर हमारा मैच है। ये स्मृति वन में मैच है हमारा, तो जितने लोग अपने आसपास नोएडा के हैं इनको तो पता ही होगा स्मृति वन कहाँ पर है, फेज 3। तो यहीं पर है अपना मैच और बस एंट्री हो गए। बाकी अपडेट और जो भी चलेगा मैच का वो वहीं से देंगे और लाइव हम ज़रूर आएंगे गाइस। ये ग्राउंड लगता थोड़ा जंगल टाइप ही है आज भी, पर है बहुत बड़ा यार, बहुत ही बड़ा ग्राउंड है यार। ये मेरा दोस्त बुलाता है, कहता भाई रनिंग जबरदस्त रनिंग करते हुए लोग। भाई जिसको फिट रहना है ना वो निकलेगा बाहर और कुछ ना कुछ करेगा। आदत पड़ गई ना। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी घर से बाहर नहीं निकलते, अपने आप को फिट नहीं रखते, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो भाई अपने ध्यान रखो, थोड़ा बाहर निकलो घर के, कुछ भी स्पोर्ट्स खेलो और खेलो जरूर लेकिन कुछ भी करो। ये देखो सुबह सुबह की एक्सरसाइज, वाह सुबह सुबह अपना फ्लैग दिख जाए। ये देखो लोग सुबह सुबह की जबरदस्त कबड्डी चल रही है यहाँ, लड़कों को देखो एक्सरसाइजेस चल रही है फुल, अंकल आंटियाँ लोग सब लोग, क्या बात है यार, मज़ा आ गया देख के। एंटर हुए थे हम नोएडा से धवलगिरी और हम पहुँच गए हैं फेज 3। भाई इतना बड़ा पार्क है, ये अलग अलग लोकेशंस को पूरा टच कर रहा है, पूरी लोकेशंस को, कोंडली हो गया एक तरफ, नोएडा का धवलगिरी साइड हो गई, थोड़ा हो गया फेज 3 हो गया, सबको टच करता हुआ इतना बड़ा पार्क है। हाय गाइस, मैच हमारे स्टार्ट हो गए हैं। पहला मैच हम हार गए लास्ट स्टेज पे और दूसरे मैच में अभी हमारी स्टार्टिंग बड़ी बहुत ही विकेट वाइज तो बड़ी गंदी हुई है, बट रन्स हमारे आ रहे हैं, मतलब हर ओवर में अच्छा स्कोर चल रहा है, बट मेरा एज यूजुअल थोड़ा सा बेकार ही हो रखा है, मुझे लग रहा है स्मृति बेकार हो रखी है। ऐसी बेकार बेकार बॉलों पे मैं आउट हो जा रहा हूँ कि कोई हिसाब ही नहीं है। मैचेस यहाँ पर आप देख, मैं आपको ग्राउंड दिखाता हूँ थोड़ा सा, देखो ज़रा कितने जगह क्रिकेट चल रहा है यहाँ पर, देखो ज़रा आप ध्यान से। ये देखो वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर एक पिच बनी हुई है, देन वहाँ पर फिर लेदर से चल रहा है। ये हमारी पिच है जिस पर हम लोग खेल रहे हैं, ये उमेश है सामने, उसके पीछे फुटबॉल चल रहा है, आपको पीछे दिख रहा होगा फुटबॉल का गोल दिखा होगा, वो पीछे फुटबॉल चल रहा है, मतलब टीम के हमारे 100 हो गए हैं, जबरदस्त। ये भाई हमारी टीम पहाड़ी बॉयज, हम अपना लास्ट मैच ही जीत के आगे, वरना बहुत बड़ी बेइज्जती होती है हमारी। कैसे जीता वो भी तो बता दो। और नहीं नहीं थोड़ा मैंने बताया, लास्ट मैच में इतना खतरनाक रहा लड़कों ने, ऐसी बॉल डाली आशु ने और बैटिंग तरुण मुकुल और किसने करी बैटिंग, उमेश ने करी, पंकज ने करी, भाई साहब लड़कों ने धुआं मचा दिया, मतलब साहिल ने बढ़िया बॉलिंग एंड कर। तो ये हो रहा है ब्रदर टूर्नामेंट अभी, ये जस्ट हम लोग भी इस टूर्नामेंट को भर रहे हैं, सेक्टर 33 में ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो हम लोगों ने भी टूर्नामेंट अभी जस्ट भर लिया, एंट्री करवा ली अपनी। तो भाई ये टूर्नामेंट जो मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया इसी नाम से हो रहा है, क्रिक हीरोज में आपको अभी दिख जाएगा ये टूर्नामेंट, अभी लाइव तो नहीं दिख, हाँ क्रिक हीरोज में आपको लाइव दिख जाएगा स्कोरिंग इसकी। दोनों बताना भाई जरा एक बार, केवी बॉयज वर्सेस सिम्बा 11 का मैच है भाई अभी। ये सनी भाई है अट्टा से, तो 33 में जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं वो यही करवा रहे हैं, और किसी और को भी फिल करना हो तो वो टूर्नामेंट अपना आके यहाँ पर भर सकता है। Yeah.
गाइस गुड मॉर्निंग, हाय बनी, गुड मॉर्निंग बोल दो, हाय बोल दो। गाइस हाय, आज बसंत पंचमी है तो मम्मी जी पापा जी बनी को लगाएंगे जौ, लगाएंगे जौ लगाएंगे पहले, फिर इसको भोग लगाएंगे और फिर ये होता है जौ जो लगाते हैं। बनी हाय बोल दो, ये गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, ये गुड बॉय। भगवान लंबी उम्र दियो तुमको, नहीं सुखी धरो। भला कल मैं दिया भगवान जी, वो मैंने आपके भला कल मैं दिया, मैं हिजा बाजू मैंने आती ध्यान करिया, ध्यान दिश हमेशा हमारे कुटुंब परिवार में सुनकर बना बस धरिया। मम्मी जी पापा जी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ये बनी भी ब्रेकफास्ट कर रहा है। आज ब्रेकफास्ट में इतनी सारी चीजें हैं, आज का ब्रेकफास्ट कुछ कुछ कुछ। हाँ भगवान सुखी रखे, खूब लंबी उम्र दे भगवान। यार मैं निकल रहा हूँ आज अपने दोस्तों के साथ बाहर थोड़ा एंजॉय मारने, बनी और हिमांशी के बगैर। बाय बनु, बाय मम्मा। बाजा होता है हमारे उत्तराखंड में बसता है, उत्तराखंडी एकदम से सुनेंगे ना इसे पहचान जाएंगे अपने आप ही। ये उनके लिए जिन्होंने कभी शायद आसपास तो सुना ही होगा, पर बाकियों के लिए। तो मैं निकल रहा हूँ यार अपने दोस्त के साथ, फिर अभी मैं शादी के लिए तो नहीं जा रहा, इसमें पापा मम्मी जा रहे हैं। गुड़ी, अरे भाई वहाँ जाएगा ये मेरे दोस्त की, जो मेरा दोस्त है बचपन का, उसकी गाड़ी, गाड़ी देख लो जरा लौंडे की, एक नंबर गाड़ी है भाई। ये मेरा बचपन का दोस्त है भाई, मेरे बचपन का दोस्त। काफी टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग, काफी टाइम, बहुत पता नहीं कितना टाइम बाद मिल रहे हैं यार हम लोग, 10-15 दिन बाद मिल रहे हैं, बहुत टाइम। एक अपना और दोस्त है चपाटा, उसके यहाँ जा रहे हैं अभी हम। मेरे भाई ने भी ज्वाइन कर लिया हमें। कौन से भाई ने? तू है भाई इसका भाई, ये वी लॉगिंग कर रहे हैं, वीडियो लॉगिंग। हम आगे भाई हैप्पी पंजाब, दोस्त लोग हैप्पी पंजाब बैठे हैं। भाई ने अभी जस्ट चटनी और प्याज मंगाई है, देख लो। ये अपना मेन्यू है, अभी चिकन वगैरह मंगाएंगे यहाँ से। एक चिकन टिक्का कर देना और एक मसाला चाप, ठीक है? मसाला टक्का में प्याज नहीं है, समझ गया। मसाला चाप एक चिकन, सचवाई क्या होता है यार भाई। ये लड़का जो है ना, ये ऑलरेडी 2 प्लेट खा चुका है। इधर देखा शक्ल अपनी, ये दो प्लेट खा चुका है, ये एक और खा रहा है और ये पन्नी लेके घर जा रहा है कुछ। चलो यार फिर निकल रहे हैं, बाय कर दी। चलो गाइस टाटा सी यू। वो निकल गया अपने घर, मैं आ गया हूँ वापस अभी घर। जस्ट अंधेरा है, 12:20 जबरदस्त छोटा सा टाइम हो गया और या बस घर पहुंचने वाला हूँ। थोड़ा सा कुछ सामान लेके आऊँ घर के लिए। दरवाजे खोल दे, सैनिटाइज कर दे भाई सारा, ये वाला हाथ भी कर दो। तो पापा जी जी लाए बनू, देखो। हाय गाइस, तो गाइस आज का दिन हमारा शुरू हुआ क्रिकेट से और फिर उसके बाद बसंत पंचमी का त्यौहार बनाया। हम लोग तो ज्वाइन नहीं कर पाए यार, बट मम्मी पापा हेमू और बनी थे, इन लोगों ने बनाया उसको। और बनी का एक ऐसे सेकेंड था त्यौहार अपना। बस यहीं पर अपने ब्लॉग को आज हम ख़त्म करते हैं। बस अब इसके बाद मैं थोड़ा सा रनिंग करता हूँ इसको और थोड़ा बस उसके बाद निकलते हैं सोने के लिए। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग ये आज का पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आएगा इस, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सो गाइज़ प्लीज़ डू शेयर इट, डू सब्सक्राइब द चैनल। बाकी कल मिलते हैं फिर दोबारा से एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर।